हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अमित। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मोटरोला के अपकमिंग फोन की। सब्सक्राइब कीजिए फनटेक बडी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आजकल पॉपअप सेल्फी कैमरा का समय चल रहा है। दोस्तों, अब मोटरोला भी अपना नया फोन लाने वाला है पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ। दोस्तों, इस फोन का नाम है मोटरोला वन हाइपर। दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ इसके कुछ खास फीचर और लॉन्चिंग के बारे में। दोस्तों, इसका जो मेन हाईलाइट है वो 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा है और इसकी 14 फुल स्क्रीन डिस्प्ले। दोस्तों, पहले शुरू करते हैं परफॉर्मेंस से। दोस्तों, इसमें लगा है क्वालकम स्नैपड्रैगन 675 SoC चिपसेट। दोस्तों, ये फोन ऑक्टाकोर फोन है। दोस्तों, इसके डुअल कोर 2 GHz पर काम करते हैं और हेक्साकोर 1.7 GHz पर काम करता है। दोस्तों, ये फोन स्नैपड्रैगन का 6 सीरीज का चिपसेट है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। दोस्तों, इसमें लगी है 6.5 इंच फुल HD डिस्प्ले, जो कि दोस्तों 1080x2340 पिक्सल LCD डिस्प्ले है। और दोस्तों, इसकी पिक्सल डेंसिटी है 395 PPI। तो अब बात करते हैं इसके कैमरा की। दोस्तों, मोटरोला कंपनी का यह पहला फोन है जिसमें लगा है 64 मेगापिक्सल का कैमरा। दोस्तों, इसमें लगे हैं 2 रियर साइड कैमरा। दोस्तों, मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल। दोस्तों, इसका सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की। दोस्तों, इसमें सिक्योरिटी के लिए बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है, जो कि बहुत ही एफिशिएंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। दोस्तों, इसमें लगी है 4000 mAh की बैटरी विथ 15 W हाइपर चार्ज के साथ। बट दोस्तों, कंपनी का ये भी कहना है कि ये 45 W के फास्ट चार्जर को भी सपोर्ट करेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरेज की। दोस्तों, इसमें है 4 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों, ये फोन डुअल नैनो सिम को भी सपोर्ट करता है 4G नेटवर्क के साथ। दोस्तों, ये फोन एंड्रॉयड वर्जन 10 को सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस फोन का वेट है 200 ग्राम। ये थे कुछ खास फीचर्स इस फोन के। दोस्तों, ये फोन लगभग इंडिया में 30 जनवरी 2020 को लॉन्च होगा। दोस्तों, इस फोन की कीमत लगभग 27,990 होगी। दोस्तों, अब मैं अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप कैमरा लवर हैं तो ये फोन बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है कि ये फोन लेना चाहिए या नहीं। बट दोस्तों, मैं इसको 5 में से 3.5 अंक देता हूँ। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।